हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। सो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस सिखाया था। सो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस सीखने से पहले हम जान लेते हैं सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म कौन सी होती है। सो आई के साथ हम एम यूज करते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म है। ओके, यू आर, ही इज, इट इज एंड शी इज। प्लूरल फॉर्म है वी आर, दे आर, यू आर। देखिए जो यू है उसको हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं और प्लूरल में भी यूज करते हैं, ठीक है। अब जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू, कहां पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को? यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, उस काम को दैट इज गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट, जो उस दैट मोमेंट पे चल रहा है। जैसे आप क्लास में हो तो उस वक्त जो काम चल रहा है, जैसे कि इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूं तो मैं आपको सिखा रही हूं, तो अभी ये काम चला हुआ है, ठीक है। सो जो एक्शन गोइंग ऑन है वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। हिंदी के वाक्य में इसकी पहचान क्या होगी? रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, रही हूं, इस टाइप से आपको मिलेगा। जब आप सेंटेंस को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है। जैसे मैं खाना खा रही हूं, जैसे मैं खाना खा, अब देखो रही हूं आ गया ना, रही हूं, यानी कि एक्शन। अभी देखो खाना खा रही है, अभी फिनिश नहीं हुआ, ऐसे वो बता रही है कि अभी जो खाना है मैं खा रही हूं, यानी कि एक्शन गोइंग ऑन है, वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर हम कैसे यूज करेंगे, कैसे इसकी फॉर्मेशन करेंगे सेंटेंस की? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यानी कि वाक्य में जो एक्शन करता है, जैसे यहाँ पे खाना कौन खा रहा है? मैं, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर। सो जिसके साथ भी इज यूज होता है, जैसे ही शीट के साथ तो इज लगा देंगे, आई के साथ एम का यूज करेंगे, यू, वी, दे के साथ हम यूज करेंगे आर। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे आई एन जी एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? देखिए मैं, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद आई के साथ एम आएगा, और वर्ब क्या है इसमें, क्या एक्शन हो रहा है? रीड करने का, तो उसके साथ आई एन जी, और ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा जा रहा है? बुक, आई एम रीडिंग द बुक, तो बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अभी इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एम, उसके बाद लगाएंगे नॉट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, फिर रीडिंग द बुक, आई एम नॉट रीडिंग द बुक, मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन में अगर मैं पूछना हो क्या तुम बुक पढ़ रहे हो, क्या मैं बुक पढ़ रहा हूं, सो उसको कैसे फॉर्म करेंगे? अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं सो सबसे पहले आ जाएगा एम, एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, एम आई रीडिंग द बुक, एम आई रीडिंग द बुक, क्या मैं बुक पढ़ रहा हूं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है, यानी कि जो एक्शन है वो गोइंग ऑन है, काम खत्म नहीं हुआ है, काम अभी भी जारी है, ठीक है। और स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया है। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। शी ब्लैंक इंग्लिश, इसमें हमें फिल करना अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो शी के साथ आता है इज, और टीच के साथ हम लगा देंगे आई एन जी, शी इज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रही है, ठीक है। आई एम एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस के साथ हम लगा देंगे आई एन जी, माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपना नजरिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं, बता रहा हूं। एम आई ट्रबलिंग, ट्रबल लिख के उसके साथ आई एन जी, ट्रबलिंग यू राइट नाउ, क्या मैं तुम्हें अभी परेशान कर रहा हूं। अब दे के साथ क्या आता है? पहले आर, सॉरी कैपिटल में आएगा, आर दे, अभी फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, तो वहां पे पीछे वर्ब है हमारे जंपिंग, तो जंप के साथ लगा देंगे आई एन जी, आर दे जंपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, क्या वो माउंटेन के ऊपर से जंप कर रहे हैं। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, जो है वो मैं म्यूजिक सुन रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं? म्यूजिक सुन रहा हूं। तो एक्शन जो है वो जारी है, खत्म नहीं हुआ है। He is singing a song. वह song सुन रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको देती हूं एक वर्क, घर से माली पौधों में पानी
दे रहा है। ठीक है, आपको इसको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। दूसरा, मैं अभी टेंस सीख रहा हूं। ठीक है, मैं अभी टेंस सीख रहा हूं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट टेंस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।